गुरु 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 क्या हुआ? गंगा जमुना सरस्वती को हिटलर उठा के ले गया। क्या? हाँ। यह कमीनी हरकत उस कमीनी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन डुगरुस, अब सले हिटलर हटेला की कहानी खत्म। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अरे लड़कियां, ये मेरी है। अरे ये तो गंगा है, ये जमुना सरस्वती। हाँ, ये मेरी तीनों बहुएं, इन तीनों की शादी तुमसे करवाने यहाँ लाया हूँ। एक बात बताएं हम आपको बापू, ये तीनों है ना किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या हुआ? अरे किसी और के बच्चों को जन्म देने वाली औरतों से हम क्यों शादी करें? हम लोग तो नाजायज पति कहलवाएंगे। हाँ। कुछ भी कहलाओ लेकिन शादी इनसे ही होगी, पैसों के आगे कुछ नहीं है। करेक्ट, पैसों के आगे कुछ भी नहीं है। आड़े टेढ़े एड़े, इनके होश आने के बाद मंगलसूत्र पहनाओ, तब तक मैं जश्न की तैयारी करता हूँ। भैया हमारे भेजे में एक बात आई है। क्या? क्यों ना हम इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करें। आई लव यू, फील इट, डू यू लव मी टू। तीनों को होश आ गया है, मंगलसूत्र पहनाकर कोई भी किसी से भी शादी कर लो। जल्दी करो, शुभ अवसर निकलता जा रहा है। शर्मा, तुम अपने इन बेटियों को मेरी बहुओं के रूप में देखोगे। राजू, तुम अपनी बहन का बदला लेने आए थे तो फिर हमें फंसाया क्यों? अब तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म जरूर देती और तुम्हारी निशानी को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती। अगर कल तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप हुआ और तुमने मुझसे शादी करनी चाहिए तो मैं अपनी दोनों बहनों के साथ कैसे इंसाफ कर सकूंगी? वो भी तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। और अब इसलिए मेरा मर जाना ही ठीक है राजू, मेरा मर जाना ही ठीक है। ये क्या किया तुम लोगों ने, मुझे मर जाने दिया होता। हमारे झूठ की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। झूठ? हाँ, हमने झूठ कहा था कि हम माँ बनने वाली हैं। दरअसल जब तुमने उल्टी की तो मैंने सोचा राजू को पाने के लिए नाटक कर रही हो, इसलिए मैंने भी नकली उल्टी की। ये देखकर मैंने भी उसी उल्टी के ड्रामे का सहारा लिया। हाँ। मगर वो डॉक्टरी चेकअप, वो भी नकली था। मैंने मनगढ़ंत कहानी बनाकर डॉक्टर साहिबा को बेवकूफ बनाया और मैंने भी रिश्वत देकर अपना काम बनाया। राजू की तो सिर्फ तुम ही दुल्हन बनोगी। मगर तुम दोनों भी तो उससे प्यार करती हो। हमने सिर्फ प्यार किया, मगर तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसीलिए अब सिर्फ उस पर तुम्हारा हक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस सच्चाई ने मुझे बहुत बड़ी रसवाई से बचा लिया, वरना खुद खुश करने के बजाय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। नहीं अंकल, कसूर आप में से किसी का नहीं, सिर्फ मेरा था। सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं अपनी मां और बहन के बदले की आग में दूसरों की भावनाओं को जला बैठा था। मैं ये भूल गया था कि मेरी मां और बहन की तरह ये तीनों भी किसी घर की इज्जत है। इस कसूर के लिए आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। पिताजी तो रिटायर है इसलिए सजा हम देंगे,
तुम्हारी पहली सजा यह है कि तुम हमारे कसूर को माफ करके अपनी बहन मधु को दुल्हन बनाकर जल्द से जल्द हमारे घर भेजोगे। और तुम्हारी दूसरी सजा है तुम्हारी और गंगा की शादी। सजा ग्रांटेड। मैं शायद दुनिया का पहला मुजरिम हूँ जिसकी इतनी संगीन जुर्म की सजा इतनी रंगीन मुझे मंजूर है। अरे वाह वाह वाह। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? शर्मा, मैंने कहा था ना कि मैं मेरे लड़कों की शादी तेरे तीन लड़कियों से करूंगा। देख, तेरी तीनों बेटियां मेरी बहुएं बन गई है। मुबारक हो। मुझे लगा तू नाराज हो जाएगा लेकिन तेरी बोलती ही बंद हो गई। लगता है तूने मेरे कैरेक्टर को समझ लिया और अपने हथियार डाल दिए। चलो अच्छा है, चल सबको आशीर्वाद दे दे। अरे सोचता क्या है, हारने वाले कभी सोचा नहीं करते, हंसते हंसते अपनी हार कबूल कर लेते। अपनी बेटियां बहू के रूप में कैसी लगती है वो तो देख। बच्चो जरा इन लड़कियों के चेहरे पर से फूल तो हटाओ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना चेहरा। गंगा जमुना सरस्वती। पाओ पड़ू ससुर जी। फिर ये कौन है देखो। ओवर टाइम हो गया, 2000 रुपए ज्यादा दीजिए। धोखा, हिटलर के साथ धोखा। शर्मा ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? क्योंकि तू एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। तू कौन है? मैं दो नंबरी, तुझसे एक नंबर आगे। अच्छा तो वही है तू जिसने इन तीन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इनकी जिंदगी बनाने की सोच रहा था तो तूने बीच में टांग अड़ा दी। मैं टांग अड़ाता नहीं, मैं टांगे तोड़ देता हूं। अब बताओ तुम लोग अपनी अपनी टांगों पे यहां से जाओगे या मैं फोन करके एम्बुलेंस बुलाऊं? एम्बुलेंस नहीं अर्थी, लेकिन अपने लिए। आप लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं हैं? ससुर जी एक काम करो, अपनी बहुओं को साथ लेते जाओ, खूब सेवा करेंगी। तुम्हारे कैरेक्टर को तो लोग समझ गए, अब तुम इनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं सबको समझ लूंगा। चलो बच्चों। हंसो हंसो, रुलाया नहीं तो मेरा नाम हिटलर हटेला नहीं। मेरा नाम है हिटलर हटेला। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? पिताजी एक बात हम आपको बता देते हैं, सारी बाजी हारने के बाद भी आपने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी है। अरे आज से अपना नाम हिटलर हटेला नहीं हिटलर ठकेला रख लीजिए। मैं तो पहले से कहता था कि पिताजी को पुलिस के हवाले कर दूं। अबे उल्लू के पट्ठो चुप बैठो, तुम्हारा बाप हारा नहीं, बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। आखिरी चाल मेरी होगी और जीत भी मेरी होगी। कल राजू के बहन की शादी है ना अरुण के साथ, उसने मेरे बच्चों की शादी नहीं होने दी, मैं उसके बहन की शादी कैसे होने दूंगा? मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? तेरे भाई ने मेरे बच्चों की शादी नहीं होने दी, अब ये तीन सांड है कुवारे तो नहीं रह सकते, अब ये तीन तेरे साथ शादी करेंगे। नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ो, मंगलसूत्र पहनाओ और सुहागरात मनाओ। लेकिन डैड लड़की तो एक है और हम लोग तीन। तो क्या हुआ, द्रौपदी एक पांडव पांच? अरे लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? लेकिन पाप एक बात हमारे जहन में नहीं आ रही है कि पहले लड़की के साथ सुहागरात कौन मनाएगा? जो पहले मंगलसूत्र पहनाएगा वही सुहागरात मनाएगा। गेट लॉस्ट। Oh, my God.
ले जाइए पिताजी को। वैसे भी हम पिताजी को पुलिस के हवाले करने वाले थे, क्यों पिताजी? उल्लू के पट्ठों, अरे लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? चलो चले। चलो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। शिवे सर्वासाधिके शंत्रंबिके गौरी नारायण नमस्तुते। ओम विष्णुये नमः। कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। ओम ब्रह्माय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। तुम्हारा घर तो बस गया। मैं और सरस्वती सोचती है घूमने के लिए अमेरिका चले जाएं। अरे मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे भाई? अब क्या, तुम्हें तो पत्नी मिल गई। अरे तुमने वो कहावत सुनी नहीं, साली आधी घर वाली। Everything is fair in love and war, even though Numri.
वन दुनिया में मैं तो नंबरी भाई, जिसने मुझसे लिया है पंगा उसकी शामत आई। इस ए वन दुनिया में मैं तो नंबरी भाई, जिसने मुझसे लिया है पंगा उसकी शामत आई। है एक हार्ट मेरे गहरा कुआ, एक तरफ है खाई, किसी को लगता मीठी गोली किसी को कड़वी दवाई। के सीखा है जीना, पढ़ना सीखा मैंने डरना, डरने से अच्छा है मरना। मेरी आँख का एक इशारा